लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स वीडियो नंबर 11, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स का ये क्रम से पांचवा वीडियो है और शॉर्टकट मेथड्स जो चल रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल्स निकालने के उसका ये तीसरा वीडियो है। रीकैप, अब तक हम लोग जो पर्टिकुलर इंटीग्रल्स के बारे में दो पढ़े हैं, P1 का ये फार्मूला है, P2 का ये फार्मूला है, सब आप पढ़े हुए हैं। मैं बस याद दिलाने के लिए इसको लिख दिया क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे, पीछे जो चीज़ पढ़ ली है वो भी तो आगे इम्प्लीमेंटेशन उसका होता है, इसलिए उन्हें सब पकड़ के रखना चाहिए। और अब बारी है P3 की। पर्टिकुलर इंटीग्रल में तीसरा, वन अपॉन f(d) ऑपरेटेड ऑन साइन ax विच इज वन अपॉन φ(d) स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन साइन ax। थोड़ा यहां पे आपको सावधान रहना है, d से बने हुए जिस व्यंजक को, जिस एक्सप्रेशन को आप फंक्शन ऑफ d समझ रहे थे, अब उसी व्यंजक को, उसी एक्सप्रेशन को फंक्शन ऑफ d स्क्वायर समझिए। अब आप कहेंगे सर अगर उस व्यंजक में d है, d क्यूब है, d^5 है तो उसका क्या करेंगे? यदि उस व्यंजक में d स्क्वायर से ही सच में बने हुए सारे टर्म्स हों, जैसे मैं आपको बताता, मान लो जो f(d) है वो ये है d^2 2d^4 -3, न लिखो कुछ और लिख दो भाई, -7 d^6 + 8 ऐसा है, तो इसको तो हम फंक्शन ऑफ d स्क्वायर लिख ही सकते हैं, कोई हर्जा तो है नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक टर्म इसमें ऑड पावर का आ गया, तब क्या करेंगे? तब भी इसको हम d स्क्वायर के फंक्शन के रूप में देखेंगे, कुछ ऐसे देखेंगे d^2 2d^2, ये देखो -7 d^6 + 8, समझ रहे ना? आखिर में ये भी तो टर्म d स्क्वायर से ही बना है, तो अब ये जो d इसमें बचा रहेगा ना, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ये आप एग्जाम्पल से समझेंगे, ये यहाँ पे वर्किंग मेथड लैंग्वेज में नहीं लिखा जा सकता है, अच्छा नहीं लगेगा, फूहड़ सेंटेंसेस बनेंगे, पूरा पैराग्राफ गंदा लगेगा, इससे अच्छा हम एग्जाम्पल से समझा देंगे। अगर सारे के सारे d स्क्वायर से बने हुए टर्म है तब तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर इसमें कोई d पर ऑड पर वाला टर्म है तो घबराने का नहीं। इस पूरे को हम फंक्शन ऑफ d कहते थे, उसको हम फंक्शन ऑफ d स्क्वायर कह रहे हैं, और ये बराबर होता है 1 upon φ (-a^2) sin ax, यानी कि जब इसको हम इस पर ऑपरेट करते हैं तो होता क्या है, d स्क्वायर रिप्लेस हो जाता है किससे, यहाँ पर x का कोफिशियंट a है, a के स्क्वायर के नेगेटिव से, नेगेटिव ऑफ स्क्वायर ऑफ a, ये जहाँ d स्क्वायर था वहाँ नेगेटिव ऑफ स्क्वायर ऑफ a आ गया, और जाहिर सी बात है ये एग्जिस्ट तभी करेगा जब φ (-a^2) ≠ 0। इसी प्रकार से 1 upon f(d) ऑपरेटेड ऑन cos ax ट्रीटेड एज 1 upon φ(d^2) ऑपरेटेड ऑन cos ax एंड दिस विल बी 1 upon φ (-a^2) cos ax। इट एग्जिस्ट्स ओनली व्हेन φ (-a^2) ≠ 0। प्रश्न उठता है φ(-a^2) अगर 0 होगा तो हम क्या करेंगे, व्हेन φ(-a^2) = 0 वी अप्लाई P2। ये जो P2 का कॉन्सेप्ट है हम इसको इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे ये एग्जाम्पल से आप सीखिएगा। अब इसको आइए प्रूव करते हैं कि ये फार्मूला डिज़ाइन हुआ कैसे। अब वो डिज़ाइनिंग ऑफ द फार्मूला देखिए, बहुत ध्यान से, प्रूफ वर्ड लिख दो तब समझ में आ गया, यहां से प्रूफ शुरू हो गया।
डी ऑफ साइन ए एक्स, मैं साइन ए एक्स वाला प्रूव करके दिखा दे रहा हूँ, सिमिलर ट्रीटमेंट इसके लिए है। डी माने डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा ए कॉस ए एक्स, ए कॉस ए एक्स। इसी का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर साइन ए एक्स, माने इसका डेरिवेटिव, इसके डेरिवेटिव में एक माइनस आएगा और ए भी आएगा, तो ये हो गया माइनस ए स्क्वायर और साइन ए एक्स। फिर तीसरा डेरिवेटिव डी थ्री या डी क्यूब साइन ए एक्स बराबर होगा इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आएगा ए कॉस ए एक्स, तो ये हो गया माइनस ए क्यूब कॉस ए एक्स। फिर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव डी फोर साइन ए एक्स, माने इसका डेरिवेटिव, तो एक तो ए निकलेगा तो ए टू दी पावर फोर हो गया, ए टू दी पावर फोर माने ए स्क्वायर का स्क्वायर, और एक निगेटिव और आएगा तो माइनस वन का स्क्वायर भी हो गया, यानी ये मिलके कितना हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ हमने लिख दिया माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर और कॉस ए एक्स हो जाएगा साइन ए एक्स। ठीक है भैया, समझ रहे हैं? आगे बढ़िए, एक स्टेप और कर लेते हैं, पैटर्न अच्छा से दिखने लगे। डी टू दी पावर फाइव साइन ए एक्स इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव, अब की बार इसमें से केवल ए निकलेगा, तो हम लिख दे रहे हैं ए माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर कॉस ए एक्स। सिक्स्थ ऑर्डर डेरिवेटिव डी सिक्स साइन ए एक्स, अब इसमें से पहली बात तो एक ए निकलेगा, एक ए निकलेगा, तो ये हो गया ए स्क्वायर, ठीक, और माइनस भी निकलेगा तो ये हो गया माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर के दो पावर में एक पावर बढ़ा दें तो ये हो गया माइनस ए स्क्वायर होल क्यूब और साइन ए एक्स। अब नहीं लिखेंगे, अब इसको हम लिख दे रहे ई टी सी, इसी तरह चलता रहेगा। पैटर्न को ऑब्जर्व करिए या अभी मत करिए, अभी पहले हम इस वाले को लिखेंगे, केवल इस वाले को। दस वी हैव, दस वी हैव डी स्क्वायर होल टू दी पावर वन ऑपरेटेड ऑन साइन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर होल टू दी पावर वन साइन ए एक्स। ध्यान से देखते रहिएगा, ये पहला, फिर दूसरा देखें डी स्क्वायर होल स्क्वायर, यही तो ये साइन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर साइन ए एक्स। फिर तीसरा देखिए डी स्क्वायर होल क्यूब साइन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर होल क्यूब साइन ए एक्स एंड सो ऑन। अब पैटर्न को ऑब्जर्व करिए, अब आप पैटर्न को ऑब्जर्व करिए, देखो डी स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाई माइनस ए स्क्वायर, ऐसे कुछ दिख रहा है, ऑब्जर्विंग द पैटर्न, ऑब्जर्विंग द पैटर्न वी कैन राइट फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर, ये सब डी स्क्वायर के फंक्शन है ना, ऑपरेटेड ऑन साइन ए एक्स इक्वल्स टू फाई ऑफ माइनस ए स्क्वायर, जहाँ जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ माइनस ए स्क्वायर इधर हो गया और साइन ए एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है, इम्प्लाइज दैट साइड बदल लें इधर पे, दैट इज फाई ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स। इम्प्लाइज दैट वन अपॉन फाई ऑफ डी स्क्वायर फाई ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन फाई ऑफ डी स्क्वायर देन फाई ऑफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स। ध्यान से देखो क्या हो रहा है, दोनों तरफ वन अपॉन फाई ऑफ डी स्क्वायर से ऑपरेट कर दिया गया है, दोनों तरफ वन अपॉन
फाई ऑफ डी स्क्वायर से ऑपरेट कर दिया गया। देखो कलर का ही मजा है, कलर जैसे हमने चेंज किया वो आपको ज़्यादा चटक दिखने लगा, ठीक ना। अब आप सोचें कि फाई ऑफ डी स्क्वायर पर उसी का इनवर्स ऑपरेटर वन अपॉन फाई ऑफ डी स्क्वायर ऑपरेट करेंगे तो वन आएगा। इम्प्लाइज दैट, इधर देखें आप, ये जब इस पर हम ऑपरेट करेंगे तो ये हो गया एफ, इसको हटाना चाह रहा है असल में, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इधर कर दें, कांस्टेंट को इधर कर दें तो हो जाएगा फाई ऑफ माइनस ए स्क्वायर वन अपॉन फाई ऑफ डी स्क्वायर। देखो डी का मतलब डी बाई डी एक्स होता है, तो इसमें एक्स है तो ये कांस्टेंट नहीं होगा, इसमें एक्स नहीं है तो इसके लिए ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर दिए। अब क्लियर हुआ, फाई ऑफ माइनस ए स्क्वायर वन अपॉन फाई ऑफ डी स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स मत बोलिएगा, ये ऑपरेटर है भैया, ऑपरेटर का गुणा किसी क्वांटिटी में नहीं होता है, ऑपरेटर हमेशा क्वांटिटी पर ऑपरेट करता है। तो वन अपॉन फाई ऑफ डी स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन साइन ए एक्स, ऐसा उच्चारण करेंगे बोलते समय। और इधर दाहिनी तरफ हो गया सिर्फ साइन ए एक्स, क्लियर। अब इसको उधर कर दीजिए और फार्मूला आपका तैयार। इम्प्लाइज दैट वन अपॉन फाई ऑफ डी स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन साइन ए एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन फाई ऑफ माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स। यहाँ पे इंटू बोलेंगे क्योंकि ये ऑपरेटर थोड़ी है। तो ये जो फार्मूला था देखो ये प्रूफ हो गया, ठीक, फार्मूला मिट गया लेकिन अब याद करें यही तो मैं लिखा था। सिमिलर ट्रीटमेंट फॉर करेंगे नहीं, बस स्टार बना के लिख देना ऐसे ही, जहाँ जहाँ साइन लिखा कॉस करते चलो, ऐसी बिल्कुल ऐसे ही आएगा। सिमिलर ट्रीटमेंट फॉर वन अपॉन फाई ऑफ डी स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन कॉस ए एक्स, दैट्स ऑल। फार्मूला डिजाइन कर दिया। अब मैं दो स्पेशल फार्मूले लिखूंगा और उन्हें प्रूव करूंगा। मैं हर वीडियो में एक बात दोहराता हूं, जब कोई भी चीज़ आप पहली बार पढ़ते हैं तो थियरी पोर्शन खूब जम के पढ़ना चाहिए। थियरी पोर्शन पढ़ने से मैथमेटिक्स समझ में आती है, मैकेनिज्म समझ में आती है, सब्जेक्ट समझ में आता है, वो समझ लेना बहुत ज़रूरी है। जब वो आप भली भांति समझे रहेंगे तब वर्कआउट करते समय, एग्जाम्पल्स प्रॉब्लम्स डील करते समय आपको कठिनाई कम महसूस होगी, ये बहुत ज़रूरी है। दोबारा जब पढ़ें रिवाइज करें तो थियरी पोर्शन को आप कम कर सकते हैं, लेकिन पहली बार जब पढ़ें तो भैया थियरी पोर्शन खूब जम के पढ़ना चाहिए, ये मेरा मानना है, मैं बच्चों को ही सुझाव भी देता हूँ। टू इम्पॉर्टेंट फार्मूले, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं P3, तो इसको हम लिख दे रहे हैं P3A और P3B। वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन साइन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन टू ए कॉस ए एक्स। आप इसे यू भी याद रख सकते हैं, इक्वल्स टू एक्स बाई टू इंटीग्रल साइन ए एक्स डी एक्स, है ना। देखो इसका इंटीग्रल होगा माइनस कॉस ए एक्स अपान ए, माइनस कॉस ए एक्स अपान ए। इसी प्रकार से वन अपान डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू ए साइन ए एक्स विच इज इक्वल टू एक्स बाई टू इंटीग्रल कॉस ए एक्स डी एक्स। इनके प्रूफ देखें आप, ये दोनों एक ही साथ प्रूफ होगा। देखो हमें मालूम है आयलर्स थ्योरम की मदद से कॉस ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स
इज इक्वल टू ई टू द पावर आई ए एक्स, तो हम इसी को पकड़ेंगे और इस ऑपरेटर को उस पर ऑपरेट करेंगे, ठीक। बाद में रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर लेंगे, ये इसका तरीका है। देखें, अच्छा यहां पर पहले एक बात देख लें, वन अपान डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, ठीक है ना। जब डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ए स्क्वायर रखोगे तो नीचे जीरो आ जाएगा, यानी कि फाई ऑफ, इसको ऐसे लिखा, इक्विवेलेंट वन अपॉन फाई ऑफ डी स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन साइन ए एक्स कामा फाई ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। दूसरे वाले में भी यही, कॉस ए एक्स वाले में भी यही होगा। तो अभी आपको सलाह दिया गया था कि जब फाई ऑफ माइनस ए स्क्वायर जीरो हो तो आप किसका यूज करेंगे, पी टू का, ई टू दी पावर ए एक्स वाले फॉर्म का। इसीलिए इस रास्ते को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। नाउ वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन ई टू दी पावर आई ए एक्स से हम शुरू करेंगे, यानी कि वन अपॉन एफ ऑफ डी ऑपरेटेड ऑन ई टू दी पावर आई ए एक्स, और एफ ऑफ डी की जगह क्या रिप्लेस होगा, एक्स का कोफिशियंट आई ए, तो एफ ऑफ आई ए बराबर क्या होगा, आई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आई ए होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। इसमें भी पर्टिकुलर केस हो गया, तो उसका तो वर्किंग मेथड आपको मालूम है, क्या करते हैं, एक्स इंटू वन अपॉन एफ डैश ऑफ डी देन ऑपरेटेड ऑन ई टू दी पावर आई ए एक्स, वेयर एफ डैश डिनोट्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डी, वेयर एफ डैश डी इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू डी। इक्वल्स टू एक्स वन अपॉन एफ ऑफ डी, अगर इतना है तो एफ डैश डी कितना होगा, टू डी ई टू द पावर आई ए एक्स, एम आई राइट। अब आपको शुरू में बताया जरूर गया होगा कि डी माने डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका इनवर्स ऑपरेटर वन अपॉन डी है, वन अपॉन डी माने इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वल्स टू एक्स बाई टू इंटीग्रल ई टू द पावर आई ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू, इसका इंटीग्रल क्या होगा, ई टू द पावर आई ए एक्स अपॉन आई ए, वन अपॉन आई माइनस आई होता है तो समझ में आता है ना आपके, वन अपॉन आई इज इक्वल टू आई अपॉन आई स्क्वायर, आई से ऊपर नीचे गुणा कर दिया इज इक्वल टू आई अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस आई, तो इसको हम लिख दें इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू ए ब्रैकेट आई ई टू द पावर आई ए एक्स। इधर देखें आप, इंप्लाइज दैट वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट में, इसको हम क्या लिख दें, आयलर्स थ्योरम की मदद से, कॉस ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स इक्वल्स टू, इधर आए माइनस एक्स बाई टू ए ब्रैकेट आई इंटू कॉस ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई टू ए विद इन द ब्रैकेट, आई से मल्टीप्लाई करोगे भाई तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, यानी कि माइनस साइन ए एक्स और प्लस आई कॉस ए एक्स, ये आ गया। अब आप रियल पार्ट निकाल लो तो एक मिलेगा ये वाला, इमेजिनरी पार्ट निकाल लो तो दूसरा मिलेगा ये वाला। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स,
वी है। ये फार्मूले हैं भैया, इनको डायरेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं भी ये चीज़ आ गया तो अगर आपको याद आ जाए तो आप डायरेक्ट इसको इतना लिख सकते हैं, चाहे इतना लिख सकते हैं, वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन कॉस ए एक्स इज इक्वल टू रियल पार्ट एक्स बाई टू ए इंटू साइन ए एक्स एंड वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन साइन ए एक्स इमेजिनरी पार्ट में आई नहीं लेते हैं इज इक्वल टू इधर आई छोड़ के माइनस एक्स बाई टू ए इंटू कॉस ए एक्स। ध्यान से, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, ये कहाँ गया, ये ठीक ना, फार्मूला प्रूव हो गया। अच्छे है, बहुत ही दिलचस्प इंटरेस्टिंग ये फार्मूले हैं। तो ये एग्जाम में ऐसे भी पूछे जाते हैं, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। तो चाहे ये पूछा जाएगा तब भी आपको ऐसे ही करना होगा, चाहे ये पूछा जाएगा तब भी आपको ऐसे ही करना होगा, दोनों पूछे जाएंगे तब भी आपको ऐसा करना होगा। मान लो केवल यही पूछा गया तो आप फिर इस स्टेप तक करने के बाद यहाँ पे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स नहीं लिखेंगे। साइन ए एक्स वाला किस में आएगा, इमेजिनरी पार्ट में, तो लिखेंगे इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट्स। तो इधर से इमेजिनरी पार्ट ले लिया, उधर से ले लिया। केवल ये पूछा गया है तो दोनों तरफ से रियल पार्ट इक्वेट करके ले लेंगे, और दोनों पूछा गया है तो आपके सामने पूरा ट्रीटमेंट है। इस छोटे से वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं और अब इस टाइप पर बेस्ड कुछ बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। थैंक यू।